होगी तू अब तो आजा केसेस अपने आके सब मिटा जा तेरी जूती इतनी महंगी आके इसको खिला जा ओ गोगिया सर इसी गाने से याद है मुझे पता है मियां जी आ रहे कि नहीं आ रहे मेरा ख्याल है वो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आएंगे मौसम जरा अच्छा हो जाएगा और हालात भी जरा और डॉक्टर अच्छा इजाजत देंगे और उनके अपने डॉक्टर जो हैं वो उन्हें इजाजत देंगे तो वो जरूर आ जाएंगे अब डॉक्टर उन्हें इजाजत तभी देंगे जब वो डॉक्टरों को कहेंगे कि मुझे दीदार आपके पॉलर पे कालम नगारों के लिए कोई रहती पैकेज है नहीं पहले तो अगर वो फीमेल हैं कोई तो उनके लिए जरूर है क्योंकि मेल नॉट अलाउड है वहाँ पे तो लेकिन आप तो आ ही सकते हैं क्योंकि मुझे तो डांस आता है लेकिन अगर आपके पार्लर में आने के लिए मुझे भी डांस सीखना पड़ा तो मैं भी सीख लूंगा अरे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया तो बरसा फिर हम नाम चेंज कर लेते दोनों भाई आप तो फीक विकी हो जाएं मैं नसीम भट्ट हो जाता मेरी हालत क्या है इधर भी बट और इधर भी बट वैसे बट साहब ये जो आपने थोड़ा सा डांस सीखने की बात की है ना तो अनु थोड़ा बहुत आंदा भी होएगा मैंने बहुत आंदा है बट साहब का ताल्लुक भी लाहौर नाल तुहानू पता है भलवान इत्थे भी बड़े होंदे ने किन्ना मजा आवे छोटा जिहा लंगोट पा के खाड़े च कर रहे होण अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या मेरे ख्याल है आपकी बात के ऊपर जरा तड़का लगाते हैं खवातीनो हजरात शेजी आ बट साहब आए जरा आए आपका कहने का मतलब है कि दीदार के सामने डांस करना बिल्कुल इक्विवेलेंट टू मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के सामने मजा करना बढ़िया बिल्कुल क्या बात नहीं अच्छी बात की आपने सात रपटी गेंद उबाल के खाना लिया अच्छा भाईजान ये आपके साथ जो है खड़ा ये क्या कर रहा है ये कालम नाराज है क्योंकि ये कालम जब लिखता है ना तो वो ऊपर वाले पेज पे लगा देते हैं तो कोई पढ़िया नहीं जाता बेचारे का भाई साहब मेरा नाम मनशा है इब्ने मनशा बट साहब से मिलने आया हूँ और दीदार का दीदार करने आया अरे अपने छोटे भरा तो भी छोटा जी नहीं नहीं ये कालम निगार तो ऐसे एग्जैजरेट कर रहे हैं ये असल में अपने बेटे से भी छोटा है इधर पुत्र ने कहा आप बाहर ना जाया करें मैं गुआच जाए अच्छा आप दीदार से क्यों मिलना चाह रहे हैं मैं इनका बड़ा फैन हूँ अच्छा बहुत शुक्रिया सारी जिंदगी तेरे गिटिया नु देखे हैं दीदार जी मेरा डांस जो है वो थत्ता है आप बताएं मैं क्या करूं अपने गिटिया ने मिलठी बन के नशिया कर तू पता की क्या तू थत्था नशिया कर तू क्या मैं थत्था करना प्लीज दीदार जी आप बताएं मैं तो ये कहती हूँ कि आप डांस करें ही ना मैं डांस क्यों ना करूं नहीं नहीं आप वैसे ही इतने क्यूट हैं सबको आप पे प्यार आता है आपको जरूरत ही नहीं है क्यूट नहीं है काफी देर से म्यूट थे अभी इनका वॉल्यूम खोला है असल में इसको डांस करना है इसके घर में कीड़े मकोड़े बहुत हैं उनको एंटरटेन करना होता है पहले ही वो सिक्योरिटी रिस्क पे है कार दी कोई कुंडी नहीं ला सकते आप पता क्या करें मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे मैं कुंडी नीचे लगा लूंगा अच्छा साढ़े से रिश्ता नहीं साढ़े से हम फरिश्ता आ रहे हैं
सर कुछ आउंदा ही पै ना आउण दिओ इन्नी महंगाई दे विच महंगाई तां सार है बड़ी गल है ए ते बेचारा एड्डा मस्कीन है 8 बजे काम तो आंदा है 8:30 रोटी खांदा है 9 बजे टीवी वेख के हमसाया नु कहंदा जरा कुंडी ला दिओ असी सौणा ओ तो बाहरों आके चले जांदे ने मुड़ के फिर नाली विच उहनां दे घर जा कहंदा अज कुंडी नहीं खोलण दे बट जी हमारे दिल में भी ख्वाहिश बेदार होती है हम शीश महल में बैठकर कालम लिख रहे हों जब दीदार अपनी पायलों से हमारे जहन को मुंतशिर कर रही हो और हम ये प्यार से कह उठे कालम में गीत है छब छब के तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छब छब के हूँ मैं पूरी उम्मीद है कि तुसी ओही हो बादशाह सलामत कालम में गीत है चम चम के वो पछता रहे ने तेनू जम जम के पर मैं कसम चुका बादशाह कोई नहीं है ये अपने महल के बाहर मोती के हार वेच दे बादशाह जिन्हें दीवार के अंदर ढोलकी चनवाई है क्या बात है So, Adino, so don't go anywhere. We'll be right back after a short break. आप देख रहे हैं Super Hour. Welcome back from the break. खवातीन हजरात आप देख रहे हैं Super Hour. अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ आपको वाकयात दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों से पूछते हैं कब कहां कैसे आइए पहली तस्वीर देखते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के अल मशहूर रिकॉर्डिस्ट इदरीस भट्टी साहब और उनकी दो खूबसूरत बेटियां इस तस्वीर में आप देख रहे हैं भट्टी साहब के बारे में आपको यह बता दें इन्होंने मादाम नूर जहान से लेके गुलाम अली साहब मेहंदी हसन साहब तमाम टॉप सिंगर्स को रिकॉर्ड किया ये गोद में कौन है प्लीज नहीं बताएं ये नरगिस है अच्छा। और ये वाला ये भाई व्हाट्सएप आप बताएं कि इनमें आपको दीदार कौन लग रही है जो गोद में है वो दीदार है और नीचे जो है वो नरगिस है बड़े श्योरिटी से आपने कहा दीदार क्या उम्र होगी यहाँ आपकी दो या तीन साल तीन साल होगी तीन साल तुझे है ना उठ भी आगे बैठी हाय 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 कादिर रोजात अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं पूरा फैमिली पैकेज और वो भी ईद स्पेशल ने जड़ियां सारियां एक दूजे तो वध कमांदियां देख लो मुकद्दर चारे भैणां कमांदियां ने ते कोई कुछ नहीं कहंदा मैं कल्ली कमाण वाली हां ते पूरा मुल्क उंगलां चुकण दे दीदार प्लीज जरा इंट्रोड्यूस करवाइए सबसे जी हाँ ये जो फर्स्ट पे हैं वाइट में ये मेरी सबसे बड़ी बहन है क्या नाम इनका इनका नाम साइमा है साइमा और उसके बाद जो है वो समीना है देन फिर नरगिस और मैं सबसे छोटी हूँ तो फिर मेरी फोटो और इनमें से सबसे ज्यादा डैडी कौन है ये नंबर तीन वाली नरगिस जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं आहा ऑन द बीच बट साहब इस तरह खड़े जिस तरह आपको 12 तोपों का सलाम होने वाला है कहां की तस्वीर है ये तो आपने ढूंढी है तो आप ही बताएं कहां की तस्वीर है मुझे लगता है या थाईलैंड की या मालदीव्स की मेरा ख्याल है ये मॉरिशस टाइप की जगह है ये सिंगापुर है जी वैसे बट साहब आपस की बात है ए वाली तस्वीर हेलीकॉप्टर तो सुटने वाली है और इस तस्वीर क्या कपड़े सही नहीं लग रहे वैसे ए जिहो जी तस्वीर है ना तुहानू कहना चाहिए सी ये सुटने वाली नहीं अच्छा बट साहब ये आपके साथ कौन है जी जाहिर है मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स है ओके बट साहब मेरे तो ऐसे फ्रेंड्स है आपके ऐसे क्यों है वो तो सिंगापुर गए आप नहर से चले जाते आहा बट साहब अगर हम भी साहिले समंदर जाएं तो आप हमारी ऐसी सहूलतकारी कर सकते हैं मतलब कि आप हमारी वैसे ही खिदमत करेंगे ना हाँ जी तो आड़े ते बह के जावांगे ना दो करोलियां करनी है सारा समुंदर खत्म हो जाना बट साहब आपने यहाँ क्यों नहीं अपना बीच अटायर पहना हुआ यहाँ भी आप सियासत कर रहे हैं क्योंकि वो तीन है और मैं अकेला था तो सियासत तो फिर करनी पड़ी मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बीच पे जो आपने कॉलम लिखा था उसका नाम क्या था वो इन दोनों के बीच में
खवातीन हज़रात अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं। आहा, खान साहब और बट साहब, खान साहब और बट साहब, मुझे लग रहा है कि आप उनको कहने लगे यार वो समोसे ही खा गए सारे। मुझे लग रहा है यहाँ एक बड़ी सीरियस बात हो रही थी। बट साहब जरा बताएंगे क्या बात हो रही थी। मेरा ख्याल है मैं ये पूछ रहा था कि तुसी देसी कुकड़ी खाना पसंद करोगे। मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं कि मैंने उनकी पसंद की बात की है, क्योंकि उनको बड़ी पसंद है देसी मुर्गी। जी अगली तस्वीर की तरफ आओ। वाह 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 वाह, बट साहब बड़ा रिलैक्सिंग माहौल, हुक्का आपने पकड़ा हुआ है किसी गांव दे हाथ में, और अब मुझे लग रहा है आप कहने लगे मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। कहाँ की है सर तस्वीर? ये तस्वीर मेरे डेरे की है जी, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सुपर ओवर की सारी टीम को अपने डेरे पे बुलाऊं और फिर उनको भैंसों का जो ताज़ा दूध है वो पिलाएं और देसी मुर्गियां खिलाएं। आजकल वो अंजीर लगी हुई है अंजीर के पौधों पे, तो वो ताज़ा अंजीरें जो है वो अपने हाथों से तोड़ तोड़ के आप सबको खिलाएं। अर्जी क्या वाह वाह। अच्छा ये सुपर ओवर की टीम को इनविटेशन है या दीदार? और को फिर मैडम दीदार को मैं वही रह गया। मैडम दीदार को भी वहाँ पे बुलाएं, और फिर ये जब भैंसों के करीब इनको खड़ा करें और फिर इनसे गाना सुने, सोने दूध पीते ने कच्चे। ऐ तौफीक, सिर्फ तौफीक साहब नहीं हुई नहीं, 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 ये ना अब डेरे पे जाना पड़ेगा और सारा पता करना पड़ेगा, इनको ये गाने का भी पता है। अच्छा मजे की गल है, इन्होंने सानू डेरे पे बुलाया, सिंगापुर नहीं बुलाया। खवातीन हज़रात जब दीदार मौजूद हो और लय वाले कॉलम निगार बट साहब भी मौजूद हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इन दोनों को बैठे बिठाए खुदा हाफिज कहें? नहीं शेजी आजा। आपका मतलब है कालम नचारी? आज बट साहब ने ऐलान किया है अपनी शागिर्दी का, क्योंकि दीदार ने कबूल कर ली है। दीदार क्या आप उनको अपना शागिर्द मान रही हैं डांस में? वो अपने काम के बहुत बड़े उस्ताद हैं। मैं डांस की बात कर रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कुछ सिखाने का। आए बट साहब, 1 2 3।